खासकर फेमिनिन फीमेल में तो ये ज्यादा देखी जाती हैं चीजें। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर आपके साथ सेक्स कर रही है तब भी उसे बाहों में झूलना है, अगर वो बैठी हुई है सिटिंग पोजीशन में है तब भी उसे आपके बाहों का घेरा चाहिए, अगर वो लेटी हुई है मिशनरी पोजिशन में सेक्स कर रही है आपके साथ तब भी उसको वो लिपटन चिपटन चाहिए। हग और कडल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और किसी रिलेशनशिप में इन दोनों का ही कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या फायदे होते हैं इसके, इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। हग जो है वो एक नॉर्मल सा तरीका है किसी के प्रति अपने लव अफेक्शन केयर को शो करने का, उसे ये जताने का, उसे ये बताने का कि आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में। हग मतलब जनरली ऐसे किसी को गले लगाना, जो आप अपने नोन को भी लगा सकते हैं और समटाइम अननोन को भी लगा सकते हैं, अगर सांत्वना देनी है उसको, टेंशन फ्री करना है, आपको ऐसा लगता है कि बेचारा ठीक है इतनी तो बातचीत है कि इसे गले तो लगा ही सकता हूं, अभी थोड़ा सा परेशान है। वहीं ये जो कडल होता है ये एडवांस स्टेज होती है हग करने की, जो खासकर उन दो लोगों के बीच में होता है जो एक दूसरे के लिए कुछ अलग तरीके के मायने, अलग तरह के मायने रखते हैं, जो एक दूसरे के लिए खास होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं, इंटीमेट मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो बॉन्ड होता है उनका, उनके शारीरिक और मानसिक तौर पर वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, उन्हीं दोनों के बीच में या कडलिंग आलिंगन जैसी चीजें होती हैं जो उनके रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने का काम करती हैं। हग और कडल में यही एक मेजर डिफरेंस है कि हग आप किसी को भी कर सकते हो, अपने नोन को भी और समटाइम अननोन को भी, जिसे थोड़ी बहुत भी बातचीत है, लेकिन कडल आप हर किसी को नहीं कर सकते, इस लेवल का ना उस लेवल का, ना अपने नोन के साथ और ना ही अपरिचित लोगों के साथ, वो तो आप अपने खास इंसान के साथ ही कर सकते हो, और कुछ टाइम के लिए तो आपको, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मूड सही नहीं है तो सोचना भी पड़ जाता है यार इस वक्त इसे कडल करना सही रहेगा, या फिर अगर आपके अंदर इस लेवल का बॉन्ड है तो आप जबरदस्ती जाए ठीक है मूड ठीक नहीं है एक कडल करूंगा ये अभी ठीक हो जाएगी, वो आपके एक दूसरे की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करती है चीजें कि आप एक दूसरे को कितना समझते हो, कि हाँ आप ऐसा करोगे तो वो कैसा रिएक्शन देगी, मूड उसका अच्छा होगा या और वो ज्यादा बिगड़ जाएगा कि हटे ऐसे। कडलिंग का दो लोगों के रिलेशनशिप में क्या महत्व है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर दो लोग सेक्स कर रहे हैं और उनका सेक्स विदाउट कडलिंग हो रहा है जो कि एक रोमांटिक एक्ट होता है, इसके बिना ये समझ लो कि वो जो सेक्स है वो सिवाय लस्ट और हवस के कुछ भी नहीं, क्योंकि कडलिंग एक रोमांटिक एक्ट है जो दो लोगों के बीच में नजदीकियां, उनके बीच में इंटीमेसी को बढ़ाने का काम करता है, उनके बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करने का, उनके रिलेशनशिप को और ज्यादा गहरा करने का काम करता है। किसी मर्द के लिए हो सकता है या कडलिंग या हगिंग इतना ज्यादा मायने ना रखता हो, खासकर सेक्स के दौरान उसे टाइम वेस्टेज लगता हो, लेकिन एक जो फीमेल है वो बिल्कुल इसके विपरीत सोचती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये उसके लिए एक ऐसा खाद पानी का काम करता है जो उसको उसके पार्टनर के लिए नजदीकियां बढ़ाती है, उसको इमोशनल अटैचमेंट फील कराती है और वो खुलकर उसके सामने आती है, क्योंकि उसके लिए सेक्स सिर्फ अंदर डालो बाहर निकालो तक सीमित नहीं है ना, उसको वो भरपूर आलिंगन चाहिए, वो अटैचमेंट चाहिए, वो फीलिंग का उसको वो महसूस होना चाहिए, वो अंदर तक का सोल से वो कैसे उससे उसके साथ जुड़े कि वो फील करे, वो अपनी आत्मा से उस इंसान को फील करना चाहती है, और वो जस्ट अंदर डालो बाहर निकालो से नहीं होता, तो उसमें वो आलिंगन भी चाहती है, भरपूर उसके साथ लिपटा चिपटी करनी चाहती है, इसलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्स के दौरान इंटीमेसी फील करना, और जिस फीमेल को वो इंटीमेसी फील नहीं होती वो उसके साथ पूरा खुलकर नहीं सामने आ पाती, ना खुद को रख पाती, क्योंकि उसके लिए वो अधूरा सेक्स है, मेल के लिए भले पूरा है लेकिन एक फीमेल के लिए अधूरा है अगर वो कडलिंग नहीं है, वो रोमांस नहीं है। पता नहीं आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है नहीं किया है, लेकिन वो सेक्स पोजीशन जिसमें ज्यादा आलिंगन नहीं होता, जिसमें वो फिजिकल अटैचमेंट, वो बॉडी का स्पर्श वो एक दूसरे से ज्यादा नहीं होता, उसमें कोई फीमेल उस पोजीशन को करते हुए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हाँ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, करती है, लेकिन वो उसको लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि उसे वो बॉडी से अटैचमेंट, वो अपने पार्टनर से वो भरपूर वो बॉडी का स्पर्श मिल नहीं पा रहा होता। हाँ फिर भी वो उसे करती जरूर है, अगर वो सिर्फ सेक्स के मूड में है, उसे सिर्फ सेक्स एंजॉय करना तो करेगी, अपने पार्टनर को खुश करना है कि चल यार इसका मन है तो करेगी, लेकिन जब उसके खुद के अंदर के मन की बात आती है ना तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, फिर उसे ये लगता है ठीक है कर लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करो ना कुछ और करते हैं दूसरा करते हैं, वो उस पोजीशन में ज्यादा टाइम लगाएगी जिसमें आपके साथ उसको भरपूर
कडलिंग मिलेगी, वो बाहों का घेरा मिलेगा। खासकर फेमिनिन फीमेल में तो ये ज्यादा देखी जाती हैं चीजें। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर आपके साथ सेक्स कर रही है तब भी उसे बाहों में झूलना है, अगर वो बैठी हुई है सिटिंग पोजीशन में है तब भी उसे आपके बाहों का घेरा चाहिए, अगर वो लेटी हुई है मिशनरी पोजीशन में सेक्स कर रही है आपके साथ तब भी उसको वो लिपटन चिपटन चाहिए। उसको वो बॉडी का स्पर्श जैसे ही मिलता है वैसे वो रिलैक्स और टूटने लग जाती है और उसको वो इंजॉयमेंट, उस भरपूर ऑर्गेजम को वो फील कर पाती है, अच्छा लगता है उसको, उसके लिए वही सेक्स है। बाकी सेक्स पोजीशन जिसमें वो कडलिंग का भरपूर आनंद नहीं उठा पाएगी उसमें वो जल्दी थक लेगी। तो है ना कडलिंग का कितना इंपॉर्टेंट, कितना खास रोल है सेक्स के दौरान, खासकर फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेडरूम के अंदर ही क्यों, ये जो कडल है ये तो आप डेली लाइफ में अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उसमें भी शामिल कर सकते हो। अगर उसका मूड अच्छा है तो बार बार करो, मूड अच्छा नहीं है तो अच्छा बनाने के लिए करो। भाई उसकी आत्मा है वो जिंदा रहेगी, स्त्री है ना। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है यार हमारी वाली जो बंदी है वो तो बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं करती, हमने तो कई बार उसे ऐसे कटल करके देखा, ऐसे हक करके देखा, वो तो झटक के हाथ हटाती है। भाई झरझरे रिश्तों में ये चीजें काम नहीं करती, मतलब दो लोगों का जो रिलेशन है वो इस लेवल पर है कि चीजें भी होने के लिए होती हैं और करनी पड़ेंगी, करना नहीं चाहते, मन करे तो एक दूसरे को देखे भी ना, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, हाँ बस फॉर्मेलिटी जैसी चीजें हो रही हैं, एक साथ रह रहे हैं छत के नीचे लेकिन वो बात नहीं है। तो ये जो कडलिंग है ये दो लोगों के बीच की दूरियों को, उनके मन मुटाव को दूर कर सकता है, लेकिन अगर बीच में खाई है तो थोड़ी ना काम करेगा। तो आपके रिलेशनशिप किस लेवल पे है, उसका स्टेटस क्या है, इसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं, तभी तो वो इंटीमेसी और वो रिलेशनशिप उस लेवल पे, उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है। अगर ये चीजें आपने अपने रिलेशनशिप में शुरू से ही रखी होती तो शायद आज ये दिक्कत ही नहीं हो रही होती। इस वक्त जो रिलेशनशिप होता है ना फिर बस वो चलने के लिए चल रहा होता है, निभने के लिए निभ रहा होता है, बस साल ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं और फिर बाद में 25 साल की एनिवर्सरी मना लेते हैं, लोगों के सामने दिखा देते हैं कि हाँ हमने 25 साल निभा ली, क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी है ना अंदर का हाल चाहे जो भी हो। इसलिए इन चीजों की जो है ना महत्व आप टाइम रहते समझ जाओ, ना कि जब टाइम निकल जाए तब समझो। अगर अभी अभी आप रिलेशनशिप में हो तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि हाँ कडलिंग बहुत जरूरी है, हगिंग बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सेक्स के दौरान किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपने बीच की जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत कर सकते हो। अब कडलिंग से होने वाले फायदों की बात कर लेते हैं, जो दो लोगों को मिलते हैं जब वो एक दूसरे को कडल करते हैं। तो नंबर वन, ये दोनों का मूड अच्छा करता है, दोनों के बीच सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन हॉर्मोन्स रिलीज होता है जो कि आपको मेंटली और फिजिकली रिलैक्सेशन देता है, आपके मूड को अच्छा करता है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, आप खुश रहते हैं, जवान रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में रह के दुनिया की हर खुशी हासिल कर लोगे। तो इतना जबरदस्त फायदा मिलता है इस कडलिंग से। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो जिसमें मैंने हगिंग और कडलिंग के बीच का डिफरेंस बताया, इसके फायदे बताए और रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ये बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।